प्लीज माँ मत रो। अरे पगली, ये तो खुशी के आंसू हैं। मेरी बेटी पहली बार कॉलेज जा रही है ना। मैं जानती हूँ माँ, तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुम अपनी फटी साड़ी में पेउन लगा सको। मेरे लिए रात दिन दूसरों के घर में काम करती हो और मेरे लिए नई ड्रेस लाती हो। देखना माँ, मैं एक दिन पढ़ लिख कर बहुत बड़ी टीचर बनूंगी। कोई भी बच्चा पैसे के कारण अनपढ़ नहीं रहेगा। तुम एक दिन ज़रूर टीचर बनोगी। हाँ माँ, और उसके लिए तुम्हें कॉलेज जाना पड़ेगा। जाओ जाओ बेटा जाओ। बाय। मेरा बेटा। रात हो गई है, अब सो जा बेटा, कल कॉलेज जाना है ना, सो जा। माँ मुझे लगता है राजू भैया नहीं आएंगे, कॉलेज नहीं जाएंगे। मुझे बहुत लेट हो गया है, अभी तक नहीं आए। मुझे भी लग रहा है। मैं छोड़ने चलूं? नहीं माँ, तुमको बहुत काम होगा, मैं चली जाऊंगी। संभल कर जाना बेटी। क्या बदतमीजी है, क्या मिलेगा ये सब करके? बहुत मजा। मजा मिलेगा। आपको कोई डांटता नहीं है? आपके मम्मी पापा नहीं है? नहीं है। नहीं है। नहीं है मेरे मम्मी पापा। आपको कभी स्कूल में सिखाया नहीं गया है क्या ये सब गलत है? गया ही नहीं स्कूल में कभी। इसीलिए आप लोग ऐसे हो गए हो, गलत रास्ते पर जा रहे हो। आप ऐसे हैं तो आपके बच्चे कैसे रहेंगे? क्या सिखाएंगे आप अपने बच्चों को, क्या बोलेंगे आप अपने बच्चों को? मैं टीचर बनना चाहती हूँ। टीचर? टीचर जो बच्चों को पढ़ा सके, सही राह पर ला सके। आप जानते हैं आजकल सरकारी स्कूल में मास्टर अपना अटेंडेंस बनाने के लिए आते हैं। उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता है बच्चा पढ़े या ना पढ़े, पर मैं चाहती हूँ कि मैं एक ऐसी टीचर बनूँ जो आप लोगों को सही रास्ते पर ला सकूँ, आपके बच्चों को गलत रास्ते से हटा सकूँ। अगर मैं गलत हूँ तो आपको जो करना है आप कर सकते हो।